नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोलैंड और रोमानिया जो भारत की मदद कर रहे हैं भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने में, उसका कारण क्या है। इसके पीछे भारत के एक बहुत पुराने राजा हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने एक बहुत महान काम किया था। इस सब का फल आज हम सभी भारतीयों को मिल रहा है। क्या है वो कारण, देख लेते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि ये यूक्रेन है, यूक्रेन और रसिया। इधर से देखिए, रूस जो है वो अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और इसके बहुत सारे, देखिए ये कीव है, यूक्रेन की राजधानी, इसको पूरी तरह से मतलब घेर लिया है चारों ओर से, और कई सारे देशों पर बुरी तरह से अटैक कर रहा है। इसके उत्तर में यहां पर ये रहा बेलारूस। रियलिटी में बेलारूस जो देश है वो यूक्रेन के मतलब एक तरह से विरुद्ध है या रसिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसी यूक्रेन के बगल में एक देश है, ये रहा देखिए पोलैंड। ये जो इधर मैप में दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको यूरोप के मैप में दिखाई देता हूं, ये रहा देखिए यूक्रेन और इसके बगल में ये रहा पोलैंड। तो पोलैंड की एक स्टोरी भारत के साथ बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। भारत के एक राजा थे, उन राजा का नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जिनके नाम पर आज रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है, क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है वो। तो महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने क्या काम किया था ये समझ लेते हैं। विश्व के दौरान पोलैंड में इसके जो ज्यादातर मेल थे यानी पुरुष, वो मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो पोलैंड से एक जहाज निकला था जिसमें लगभग 1000 बच्चे थे, और वो जहाज भारत की तरफ आया। भारत के तट पर जब वो जहाज पहुंचा तो भारत में ब्रिटिश सरकार ने उस जहाज को भारत में रुकने से मना कर दिया। तब जाके सपोर्ट किया गुजरात के राजा थे, राजा रणजीत सिंह, उन्होंने देखिए क्या काम किया है। देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या काम किया है। ये बच्चे हैं जो उनके साथ आए थे, बहुत पुराना फोटो है, क्योंकि ये घटना कब की है, घटना है 1942 की। ये घटना कब की है, 1942 की। पोलैंड से 1000 बच्चे आए थे, कितने बच्चे, 1000 बच्चों को लेकर ये जहाज आया था, और उस जहाज को गुजरात के राजा ने अपने यहाँ पर पनाह दी, उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और जब दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध शांत हो गया तो उन्हें वापस पोलैंड दिया था। ये काम किसने किया था, देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने, जिनके नाम पर आज रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट है। पूरी दुनिया में किसी ने पोलैंड के लोगों की मदद नहीं की थी, पूरी दुनिया में किसी ने भी, इतने सारे देश हैं, तो ये इस पोलैंड की मदद किसी ने नहीं की थी। इस पोलैंड की मदद किसने करी, भारत के द्वारा करी गई। और आज जब रसिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, तब यहाँ से जो भारतीय छात्र आ रहे हैं उनको पोलैंड पूरी मदद कर रहा है, खाना दे रहा है, रहना दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, उनको एक मेहमान की तरह रखा जा रहा है। इसका कारण क्या है, भारत के एक महान राजा का जो उन्होंने पहले काम किया था वो काम आज हम सब लोगों को देखिए फल मिल रहा है उसका। तो जीवन में आप सभी भी अच्छे काम करते रहिए, और इस कहानी से जो भी आपको सीख मिलती है उसको कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।